सो गाइज मैं तकरीबन 2 दिनों से लाड़काना हूँ और यहाँ पे लाइट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लाड़काना के कुछ हालात पता नहीं कैसे लग पड़े हैं यार। चुप करें मैनेजर, मैं यहाँ पे इसलिए व्लॉग नहीं बना पा रहा। खैर अभी हम चल रहे हैं स्मार्ट सिटी, वहाँ पे हम थोड़ी फोटोग्राफी करेंगे और इसको आप इग्नोर कर दें, इग्नोर, फुल इग्नोर। खैर अभी चलते हैं, पूरे 7 बज रहे हैं, अभी बस निकलते हैं। तो मेरे साथ कौन कौन है? मेरे साथ है हमारे राघव भाई, हमारे मामू और हमारे विवेक भाई, इनसे तो आप मिले ही होंगे पिछले व्लॉग में। और ये तो और ये हमारे विराट भाई, हमारे साथ ये भी हैं। यार आप रो क्यों रहे हो भाई? कैमरा बंद कर दे। नहीं नहीं रोते नहीं है, खैर खैर सही है साफ करो साफ। तो अभी बस निकलते हैं जल्दी से, पहले देर हो जाए और हमारी यार फोटोग्राफी नहीं होगी फिर। सो गाइस फाइनली अभी हम स्मार्ट सिटी आ चुके हैं और अभी मैं इनका व्यू दिखाता हूँ कि किस तरह का है। थोड़ा हम आगे चलते हैं, अभी हमारे कोई ताले का इशू हो गया है जो सही नहीं हो रहा। हो गया हो गया, सही है। तो अभी हम चलते हैं, थोड़ा सही से आपको व्यू दिखाते हैं। सो गाइस अभी हम जहाँ पे आए हुए हैं ये है लाड़काना का स्मार्ट सिटी, ठीक हो गया। तो मैंने भाई से पूछा था कि यहाँ पे सबसे अच्छी जगह कौन सी है, सबसे अच्छी जगह। तो हमें भाई ने बताया कि सबसे अच्छी जो जगह है वो यही है, ये जो लिखा हुआ है ना, सबसे मतलब फोटोग्राफी के हिसाब से सबसे अच्छी जगह यही है। तो मैंने कहा क्यों ना बस यहाँ पे आए, थोड़ी फोटोग्राफी कर लेते हैं, 2-3 पिक्चर निकलवा लिए। सो गाइस अभी वहाँ पे जो है वो क्या बोलते हैं इसको, शॉवर, शॉवर, शॉवर बोल सकते हैं अभी, फाउंटेन। वो हम थोड़ा गाँव से आए ना, हमें बताइए। तो यार यहाँ पे ये फाउंटेन वगैरह चल चुका है सही, और सारे वहाँ पे खड़े हो गए, सारे वहाँ पे ऐसे इकट्ठे हो गए, सारे हमारी तरह गाँव गाँव से आए हैं हमारी तरह। सो गाइस बेसिकली असल में ये जो है ये असल में एक सोसाइटी है, ठीक है, और ये अभी बन रही है ना भाई? जी भाई अभी बन रही है, अभी बन रही है, मेरे ख्याल से बनी नहीं है तभी ये इसलिए इतने ज़्यादा लोग आए हैं। और वहाँ से उसका गेट था, वहाँ से ये फाउंटेन है जहाँ पे सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे आ गए, और यहाँ से इसकी मेन एंट्रेंस है, ठीक हो गया। बस इतना सा ये कुछ, बाकी ये छोटा एक ग्राउंड पार्क बना हुआ है और यहाँ पर है बच्चों के लिए खेलने के लिए, बस इतना सही है, मतलब ये शुरू होते ही ख़त्म हो गया। खैर तो हमने सोचा हुआ था कि अभी हम ना फोटोग्राफी करेंगे खतरनाक वाली, लेकिन जो है वो उसमें जो दिन है वो निकल गया हमारा और हम फोटोग्राफी नहीं कर पाए, मतलब इतनी खास कोई पिक्चर्स नहीं आई। सो गाइस बस यही था, हमारी फोटोग्राफी कोई खास हुई नहीं, ठीक है ना। अभी देखते हैं कि बस अभी हम वापसी जा रहे हैं, बस यही था, कुछ छोटा पार्क था और झूले बने हुए ना। अभी हम चलते हैं, देखते हैं, अभी डिसाइड नहीं हो रहा, कुछ खाने या पीने चलते हैं, लेकिन डिसाइड नहीं हो रहा कहाँ पे चलना है। जहाँ भी चलते हैं बस दिखाते हैं फिर। सो गाइस अभी हम पीने आए थे थोड़ा लिमका विमका, भाई कैसा है टेस्ट करके बताओ, अच्छा है, मज़ा आ रहा है। अभी हम लिमका यार पीने आए थे और यहाँ पे सोडा बाहर है, लिमका पी के फिर उसके बाद चलते हैं। सो गाइस फाइनली अभी हम घर पर हो चुके हैं और हमारे जो छोटे भाऊ हैं फुल नींद में टन लगे पड़े हैं, टन लगे पड़े हैं, क्या हुआ भाई, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। सो गाइस तो जैसे कि आपने देखा वहाँ से हम होके आ गए, ठीक है, और अभी हमने थोड़ी बहुत रेस्ट की और अभी हम चलेंगे थोड़ा कुछ खाने पीने, देखते हैं कि कहाँ पे चलते हैं। हमारे जो विवेक भाई हैं, ठीक है ना, ये हमें लेके चल रहे हैं कि देखते हैं कि कहाँ पे चलना है। गाइस मैं ये सोच के आया था लाड़काना कि यार ईद है, ईद के मौके पर ऐसे ही घूमने चलते हैं, ठीक है ना, और जैसे कि मेरी अकेडमी की भी छुट्टी थी तो मैंने कहा यार ईद के मौके पर चलते हैं, घूम के आते हैं लाड़काना। लाड़काना में इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैंने सोचा नहीं था, और ऊपर से लाइट भी बंद, लिटरली यार यहाँ पे लाइट है ही नहीं। आप लाड़काना के हालात चेक कर सकते हैं, मैं अभी वीडियो दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के हालात चल रहे हैं लाड़काना में। हम इधर आए हुए थे, ठीक है, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा रश है क्योंकि आज ईद का है 3रा दिन, यहाँ पे हम आए थे, हमने कहा यार यहाँ पे व्लॉग वगैरह बनाते हैं, खाना वाना खाते हैं, इतनी ज़्यादा रश है, अभी बस चलते हैं। अभी हम आए थे यहाँ पे कुछ पिज़्ज़ा और बर्गर खाने, ठीक है, हमने ऑर्डर दे दिया है, हमारे साथ हैं विवेक भाई, ठीक है ना, भूख लगी है। भूख लगी हुई है, सही है, तो ऑर्डर दे दिया है, खाना आ जाए,
तो खाना खाते हैं। सोहेल अभी खाना वाना आ गया और ये बर्गर आ गए। सोहेल अभी हमारा जो बर्गर था वो मैंने खा लिया और सही था, ओके था, मतलब मज़ा आया। हमारा पिज्ज़ा वगैरह आ गया, पिज़्ज़ा भी आ गया, लेकिन सीन ऐसे है कि घर पे खाना भी पड़ा हुआ है। हमारे भाई असर है, सही है ना, घर पे भाई खाना ही पड़ा हुआ है और यहाँ पे हम देखो क्या खा रहे हैं। थोड़ी गालियाँ पड़ेंगी, लेट्स सी, अभी देखते हैं। खाना वाना खा लिए और काफ़ी मज़ा आया भाई, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया भाई, मज़ा आ गया। अभी बस चलेंगे हम घर की तरफ। सो गाइस हम फाइनली घर आ चुके हैं और खाना तो मुझे पसंद आया भाई। खाना पसंद आया? बहुत पसंद आया, बहुत मज़ा आया। ठीक है ना, अभी घर चलते हैं। सो गाइस हमारे साथ एक और आ चुके हैं, हम दो ही तो थे व्लॉग में और हमारे साथ एक और भाई आ चुके हैं। बोली पहुंची हुए खबर ना केरन, पता नहीं यार ये कैसे आ गए, ये घर पे आ गए बस। ठीक करंट लगा ला गाइस, मैं घर पे इसलिए व्लॉग नहीं बना पा रहा, ये मसला वही हो रहा है। हेलो गाइस, हां ये कर लो पहले। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो मेक श्योर आप लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि ये वाला व्लॉग आपको कैसा लगा। और यार आप शेयर नहीं कर रहे यार, शेयर जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।